हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट के आज की जो क्लास रहने वाली है वो सीडीपी यानी कि बाल विकास की रहेगी। हमने जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया है वो इंटेलिजेंस का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया। अगर आप उतना पढ़ लेते हो, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से बना रहे हैं, तो आपका एक भी नंबर इंटेलिजेंस से नहीं कटेगा। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप अगर प्रीवियस ईयर अगर आपने एनालाइज किया है ना, तो आप ध्यान से देखना, पर्सनालिटी से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अकेला जो व्यक्तित्व का ये चैप्टर है ये अपने आप में जरूरी हो जाता है, क्योंकि 4-5 नंबर ले लेना या फिर खो देना बहुत ही एक बड़ी बात होती है। तो ये जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके काफ़ी आगे भी पार्ट्स होंगे बिकॉज हमने इनकी थ्योरीज को भी कवर करना है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का डेफिनेशन समझेंगे, होती क्या है, इसके अर्थ, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, ट्रेट्स को पढ़ेंगे, और आपको बता दूंगी कि टाइप्स में जो है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अपने आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व आपका टॉपिक रहने वाला है, बाल विकास की क्लास रहेगी, पर्सनालिटी 4 से 5 नंबर आपको हर एग्जाम में पूछने को मिलता है। इसी से ही जो है आपका सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। बाकी जो आपके जो सब्जेक्ट है या फिर जो आपके चैप्टर्स है उनमें से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए सीडीपी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टीजीडी, पीजीडी और पीआरटी सभी लेवल्स को इंक्लूड किया गया है। सिर्फ ये मत पूछा करो कि क्या सिर्फ इसमें पीआरटी है, क्या सिर्फ इसमें टीजीडी है। ऑल द लेवल्स आर इंक्लूडेड इन दीज वीडियोज ऑल्सो इन द नोट्स। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए पर्सनालिटी की अगर बात करूँ, व्यक्तित्व, तो ये लिया कहाँ से गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लैटिन शब्द है, एक लैटिन वर्ड है परसोना, परसोना। ठीक है, और परसोना का जो मतलब होता है ना वो होता है मुखौटा, मुखौटा जिसको आप नकाब भी कहते हो। ठीक है, आपने टीवी वगैरह में देखे होंगे भाई, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो किसी दूसरे कैरेक्टर का जो है एक तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो वो एक तरीके से जो प्रीवियस टाइम में यानी कि पहले अर्लियर टाइम में इसको क्या माना गया था, इसको परसोना से लिया गया जिसका मतलब है मुखौटा या फिर नकाब। और पहले ये जो व्यक्तित्व की जो डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो पर्सनैलिटी है वो आपका एक्सटर्नल शो ऑफ है। एक्सटर्नल शो ऑफ यानी कि आपका बाहरी दिखावा ही क्या है, पर्सनालिटी है, बाहरी दिखावा। और इस बाहरी दिखावा में क्या क्या आता है, आपकी वेशभूषा आती है, भैया आप क्या पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो आउटर अपियरेंस है, जब आपको एक नजर में कोई देखे तो आप उसके दिमाग में, देखने वाले के दिमाग में आपकी क्या इमेज बनती है वो क्या कहलाती है, वो पर्सनालिटी कहलाती है। ऐसा पहले के टाइम में कहा गया था। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि पर्सनालिटी यानी कि जो व्यक्तित्व है, जब आप किसी इंडिविजुअल को देखते हो बस उसी के बेस पर आप किसी भी के भी पर्सनालिटी को आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पर्सनालिटी का मतलब आज के टाइम में क्या बोला गया कि जो पर्सनालिटी है वो आपकी, आपका एक्सटर्नल भी है, आपका दिखावा भी है, और साथ साथ आपके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके अंदर कौन से गुण शामिल है, आपकी अंतरात्मा कैसी है, वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के अंदर काउंट होती है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पहले के टाइम में। सबसे पहले कहा गया कि पर्सनालिटी क्या आपका एक्सटर्नल शो है, आप जैसे बाहर से दिखते हो वो आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को फील भी करते हो कि लाइक आपने देखे होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, या फिर आपने, अब तो हम लोग मेच्योर इनफ है, हमने इन चीज़ों को फील भी किया होगा। आपने देखा होगा किसी इंसान को जो बहुत ही उसकी जो आउटर अपियरेंस है, हो सकता है वो अच्छी ना हो बट उसका जो दिल है वो काफ़ी साफ हो, उसके वैल्यूज़ बहुत अच्छे हों, उसकी मोरालिटी बहुत अच्छी हो। उसके ऑपोजिट अगर बात करें तो आपने किसी ऐसे को भी देखा होगा जो बढ़िया बूट शूट में बढ़िया प्रॉपर ड्रेसअप होकर के, अच्छे बाल वाल बना करके, लेकिन उसका जब आप उस पर्टिकुलर इंसान को समझते हो तो उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो, अब मैं ये इस चीज का आपको एग्जांपल दे रही हूं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ आप बाहरी दिखावे के बेस पर आप किसी की भी व्यक्तित्व के बारे में समझ लेंगे। हालांकि आज के टाइम पे तो हम करते ही ऐसा है, सिर्फ ये देखेंगे अपीयरेंस कैसी है उसके बेस पे हम जज कर लेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इंसान के एथिक्स क्या है, उसकी मोरालिटी क्या है, उसकी बिलीव्स क्या है, वो भी मैटर करती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल शो ऑफ नहीं है, इसलिए इस डेफिनेशन को अनसाइंटिफिक घोषित किया गया।
ठीक है, अनसाइंटिफिक, यानी कि अवैज्ञानिक इसको माना गया कि भाई ये जो है साइंटिफिक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के सिर्फ दिखावे पर जाकर के आप उसके व्यक्तित्व को समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात है। अब बात करते हैं कि डेफिनेशंस। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी है, जो मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, आप आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ना। बट जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो एलपोर्ट की डेफिनेशन है, और ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है बिकॉज इस डेफिनेशन को कई बार पूछ लेते हैं कि एलपोर्ट ने जो डेफिनेशन है वो क्या दी है। बिकॉज ये जो एलपोर्ट की डेफिनेशन है वो जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी परिभाषाएं दी हैं सबका निचोड़ आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो हम पर्सनालिटी को सिर्फ एक इस डेफिनेशन के बेस पर अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए आप एलपोर्ट की इस डेफिनेशन को जरूर ध्यान में रख लेंगे। 1937 में ये डेफिनेशन एलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। चलिए अब बात करते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी है, तो जो भी आपका मीडियम है आप अकॉर्डिंगली देखना। जो पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर ये जो वर्ड लिखा है ना डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने समझना है। विद इन इंडिविजुअल ऑफ दीज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। ये दो जो चीजें आपको यहां पर दी गई है इसको आपने समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ जाते हो तो मतलब आपने व्यक्तित्व को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में जो यहां पर मनोशारीरिक लिखा हुआ है ना, मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक, ठीक है। तो ये गतिशील, गत्यात्मक और मनोशारीरिक, ये आपको समझना है। इसके अलावा जो समायोजन लिखा है वो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इन वर्ड्स को समझेंगे, देन आप एलपोर्ट के द्वारा दी गई ये परिभाषा अच्छे से समझ जाएंगे। यहां पर बात करी गई है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की। इन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी है वो क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील या फिर, और में आप इसको गत्यात्मक कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में भाई बहुत सारे नाम हो जाते हैं। गतिशील, गत्यात्मक, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको डायनेमिक का मतलब पता होना चाहिए। डायनेमिक मतलब जो स्टेबल ना हो, जो एक जैसा ना हो, जो बदलता रहता हो। तो जो आपका व्यक्तित्व है, किसी भी इंडिविजुअल का जो व्यक्तित्व है वो स्टेबल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। आपकी जो सिचुएशन है, आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व भी बदलता जाता है, ठीक है। आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छे से बात करोगे, ठीक है। आपके सामने कोई ऐसे इंडिविजुअल, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपको फिर अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ता है। तो डायनेमिक यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो गतिशील है, यानी कि चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। आपके बिहेवियर्स जो है वो बदलते रहते हैं आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इसलिए पर्सनालिटी को डायनेमिक कहा गया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपका इंटरनल, आपके जो इंटरनल क्वालिटीज है प्लस आपकी जो आउटर अपियरेंस है, इन दोनों का मिश्रण होती है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। पहले कहा गया था सिर्फ एक्सटर्नल अपियरेंस है, लेकिन अभी क्या कहा गया है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपके जो आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण और आपका बाह्य दिखावा, ठीक है, हिंदी में जो कुछ भी है ये बाह्य दिखावा, यानी कि आप बाहरी रूप से कैसे दिख रहे हो, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, साथ ही आपके आंतरिक गुण, आपके अंदर की मोरालिटी, ठीक है, आपकी एथिक्स, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, आपका इंटरनल क्वालिटी, आपके अंदर क्या है। तो वो आपके जो पर्सनालिटी है, किसी का भी जो व्यक्तित्व है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन के फॉर्म में होता है, किसका, आपके इंटरनल क्वालिटीज और आपके आउटर अपीयरेंस का, ठीक है। तो एलपोर्ट ने क्या कहा, एलपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्तित्व है वो क्या है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है और ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इस चीज का मतलब यहां से समझ में आया। अब बात करी गई है कि एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, ये कह रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो डिपेंड, आपका व्यक्तित्व क्या बताता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे व्यवहार करते हो, कैसे आप एनवायरमेंट के तरफ, कैसे आप सिचुएशंस, परिस्थितियों के विरुद्ध, परिस्थितियों के साथ जाकर के खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, खुद को ढाल लेते हैं, वो भी किस में आता है, वो भी आपकी पर्सनालिटी में आता है, ठीक है। मान लो भी आप जो है दो इंडिविजुअल है, ठीक है, मान लो अगर किसी को नए नए एक्सपीरियंस लेना, नई नई लर्निंग करना अच्छा लगता है तो वो किसी भी कैसे भी परिस्थिति आए वो उसे घबराएगा नहीं, तो वो उसकी पर्सनालिटी है कि वो हर परिस्थिति से पार पाना जानता है। वहीं एक और इंसान है जो नई नई चैलेंजेस को फेस करना नहीं जानता, उसको अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अपने ट्रेडिशनल तरीकों पे फोकस करता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी है,
ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा क्या क्या बताया कि आप वातावरण के प्रति कैसे खुद को ढालते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो अभी आप एल्पोर्ट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए हो, तो यही सारी चीज इन्हीं के बारे में ही अदर जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी बात करते हैं, इसलिए हमने एल्पोर्ट की डेफिनेशन को पढ़ा। इसके साथ साथ आपको ये वाला तो जरूर कर ले रहा, इसके अलावा जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी करके चले जाना, बिकॉज आपसे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अर्थ समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व कुछ भी नहीं होता, मतलब होता है लेकिन क्या होता है, आपके अंदर क्या चल रहा है, साथ ही आपके आउटर अपीयरेंस कैसी है, वो सभी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आप कैसे बाहरी रूप से दिख रहे हैं वो आपका व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझनी है यहाँ से। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हम इनके बेस पर ही यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्या होती है, ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि गतिशील होता है, परिवर्तन होता रहता है आपके व्यक्तित्व में, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को बदलते रहते हो, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज करते रहते हो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका आउटर कैसा और आपका इंटर क्या है, वो इंटरनल क्या है, वो सभी इसका हिस्सा हो जाती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नोट एन एक्सटर्नल शो ऑफ, ये एक आपका बाहरी दिखावा नहीं है, ये कहना कि ये सिर्फ आपका बाहरी दिखावा है, अगर आप नेग्लेक्ट करते हो इंटरनल जो ट्रेट्स है, जो गुण है, उनको अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो फिर वो गलत हो जाता है। अब आपको समझना है कि अनुवांशिकता और वातावरण का एक रिजल्ट होता है, यानी कि जो आपका पर्सनालिटी है वो आपका हेरिडिटी से भी और आपके एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि दोनों से बराबर तौर पर जो है आपकी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। आपकी हेरिडिटी यानी कि आपको जो गुण मिले हैं अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, वो भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बनाती है। और साथ ही आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप किस वातावरण में आप रह रहे हो, वो भी आपकी पर्सनालिटी में इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आपको आपको अगर पूछे जाए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो आप बताएंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, आप सभी की जो पर्सनालिटी होती है वो यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है, सबको पता है भाई सबकी जो व्यक्तित्व है वो अलग होता है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, किसी और का व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व है। ठीक है, और सबका विशिष्ट होता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, सबका अपना अपना एनवायरमेंट है। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी है वो क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, अपने आप में अलग होती है, विशिष्ट होती है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि सेल्फ कॉन्सियसनेस यानी कि आत्म चेतना का गुण आ जाता है, मतलब पर्सनालिटी मतलब आप खुद को समझने लगते हो, और जब कोई इंडिविजुअल खुद को समझने लगता है तो मतलब उसको सारी चीजें सही हो जाती है। ठीक है, आत्मचेतना मतलब आप खुद के अंदर झांक के देख सकते हो, आप खुद को समझ पाते हो। ठीक है, तो वो सेल्फ कॉन्सियसनेस है। उसके साथ साथ जो CAP है, इसको हम आगे जो हमारी क्लासेस आएंगे उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि बिहेवियर के ये कुछ एस्पेक्ट होते हैं, कुछ पहलू होते हैं जिसमें आपका कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है। आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने CTET दिया या फिर पहले अगर STET दिया है, तो इसका ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पहलू भी पर्सनालिटी के अंदर आता है। ठीक है, आप अभी इतना ध्यान में रख लो, बाद में जब ये सारा आगे आएगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनालिटी की जो इंपॉर्टेंट होती है। अब इस वीडियो के अंदर हम और एक चीज पढ़ेंगे जो कि आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के गुण होते हैं और 5 गुणों की हम बात करेंगे। ठीक है, मैं यहां से इसको रब कर रही हूं, आपने साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो। पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी कि व्यक्तित्व गुण। ठीक है, इनमें हम 5 ट्रेट्स की बात करेंगे। सबसे पहला है ओपननेस। ओपननेस मतलब खुलापन, एक एक करके समझेंगे सारों को। ओपननेस मतलब जब आप नई नई लर्निंग के प्रति, नए नए एक्सपीरियंस के प्रति आप ओपन माइंड हो जाते हो, आप मतलब ओपन हो कि ठीक है अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल के अंदर ये ओपननेस वाला ट्रेट होता है वो नए नए जो लर्निंग्स है उनको सीखता है। ठीक है, साथ ही उनके अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज है वो भी कहीं ना कहीं आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं।
और वो इंसान अगर इनोवेटिव आइडियाज, तो वो इंसान कैसा होगा, वो क्रिएटिव भी होगा भाई, रचनात्मक भी होगा, ठीक है, बिकॉज नई नई सिचुएशन के प्रति वो एक तरीके से खुद को अडप्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो ओपननेस वाला ट्रेट जिसके अंदर है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के से जाएगा, और जिसके अंदर ओपननेस नहीं है, जो नए नए सिचुएशन से के प्रति जो है कहीं ना कहीं नहीं घुलता मिलता है, जिसको नहीं अच्छा लगता, जो जो सिर्फ अपनी पुरानी चीजों पर, यानी कि फिर वो कैसा होगा, वो ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करता है, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, जिसके अंदर ओपननेस नहीं होगी। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो किसी इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको ओपननेस आता है। जिस इंडिविजुअल के अंदर ओपननेस होगा, मतलब वो नई नई सिचुएशंस से गुजरता है, उसको रिस्क लेने में डर नहीं लगता, वही जिसके अंदर ये थोड़ा कम होता है वो रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं चल यार करके तो देखते हैं, क्या पता अगर गलत होगा तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो वो ओपननेस वाले होते हैं। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसी पर ही टिके रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो लो होते हैं ओपननेस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है आपका वो है कंसाइसनेस, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब कर्तव्य निष्ठा मतलब आप अपने काम को लेकर के कितने सीरियस हो, कितने आप डिसिप्लिन हो, ठीक है, कितने आप डिसिप्लिन हो, कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हो अपने काम को लेकर के। ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित, और डिसिप्लिन मतलब अनुशासित। तो जिसके अंदर कंसाइसनेस होती है, ये ट्रेट्स जिसके अंदर होता है, वो अपने काम को लेकर के अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो अपने काम के प्रति लॉयल होते हैं। वहीं जिनके अंदर ये लो होता है, वो कहीं ना कहीं इनके कंपेयर में कैसे होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। तो कंसाइसनेस को समझे आप, कर्तव्य निष्ठा को आप समझे। थर्ड जो है वो है आपका एक्स्ट्रोवर्जन, जिसको हिंदी में बहिर्मुखता बोलते हैं, बहिर्मुखता। एक्स्ट्रोवर्जन वो होते हैं जो लोगों से इंटरेक्ट करना जिनको अच्छा लगता है, इंटरेक्ट विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना इनको अच्छा लगता है, ये दूसरों से भागते नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट, आपने सुना होगा ना, एक होते हैं एक्स्ट्रोवर्ट और एक होते हैं इंट्रोवर्ट, वो आगे थ्योरीज में भी हम पढ़ेंगे। एक्स्ट्रोवर्ट वो होते हैं जो सोशल होते हैं, और इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो सोशल नहीं होते, जो सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, जो कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लोगों से मिलना अच्छा ही नहीं लगता, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्स्ट्रोवर्ट वो होते हैं जो कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है, सामाजिक होते हैं, और जिनके अंदर ये वाला नहीं होता, मतलब वो कैसे होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, इतना समझे यहां से। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस मतलब सहमतता, सहमतता मतलब आप दूसरों को अंडरस्टैंड करने की शक्ति रखते हो, आप दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग होते हो, कोऑपरेटिव होते हो, ठीक है, कोऑपरेटिव को हिंदी में कह सकते हो सहयोगी, और अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हो भाई, मतलब जिनके अंदर एग्रीएबलनेस होती है वो सिर्फ दूसरों की के ऊपर अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू थोपते नहीं है, बल्कि दूसरे क्या बोल रहे हैं उस चीज को भी समझने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। तो आप दूसरों को भी समझ पाते हो, दूसरों के प्रति कोऑपरेटिव होते हो, सहयोग की भावना रखते हो, तो वो एग्रीएबलनेस होता है। और जिसके अंदर ये ट्रेट कम होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो व्यू पॉइंट है वो उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, एंड दिस इज द लास्ट, जो कि पांच ही हमने यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है, ये है आपका न्यूरोटिसिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मनो विक्षुब्धता, मनो विक्षुब्धता। और इसको आप कहीं ना कहीं लगा सकते हो इमोशनल स्टेबिलिटी के, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि आप भावनात्मक रूप से कितने स्टेबल हो, भावनात्मक रूप से आप कितने मैच्योर हो, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो जिसके अंदर ये थोड़ा ट्रेट ज्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, थीके? तो वो क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो कोई भी अगर ऐसी टेंस्ड सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जो आपके लिए डर पैदा कर जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रभावित होते हैं ये लोग,
ठीक है ना। तो ये पांच हैं जो कि ओपननेस है, कंसाइजनेस है, एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीएबल और न्यूरोटिसिज्म, जिसको मैंने हिंदी में भी समझाया है। तो ये पांच पर्सनालिटी के ट्रेट्स है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ ना टाइप जो थ्योरीज है उनको बता देती हूँ कि हम कौन कौन सी थ्योरीज को पढ़ेंगे, देन जो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो इन थ्योरीज की ही रहने वाली है। ठीक है, तो हम थ्योरीज में यानी कि सिद्धांत जो है पर्सनालिटी के, उसके अंदर हम कौन क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम करेंगे एक टाइप थ्योरी। इसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जैसे स्प्रिंगर आते हैं, हिपोक्रेट्स आते हैं, ठीक है, शेल्डन आते हैं, इसको प्रकार सिद्धांत बोलते हैं, युंग जुंग आते हैं, नाम सुना होगा आपने। अब इसके बाद ये आपकी है ट्रेट थ्योरी जिसको शील गुड सिद्धांत बोलते हैं। एलपोर्ट आते हैं, इसके अंदर कैटल आते हैं, ठीक है। फिर एक है साइकोडायनामिक, यानी कि विश्लेषण का सिद्धांत, जिसके अंदर हम लोग सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे, ठीक है, सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे। ईद ईद के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आपने ईद अहम ये पढ़ा होगा ना, ईद ईगो अहम, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये थ्योरीज है, काफी सारी थ्योरीज होगी जिनको मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा पर्सनालिटी की डेफिनेशन को, इसके अर्थ को समझा, पहले क्या था बाद में क्या था, एलपोर्ट की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको पढ़ा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगली बार से हम थ्योरीज की तरफ मूव कर जाएंगे। इतना पढ़ते रहिए, सारे आपके जो कंटेंट है, सारा जो आपका डीपनेस है वो सब इंक्लूड हो जाएगी, चाहे फिर वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और क्वेश्चंस जो है आप आराम से बना पाएंगे। पर्सनालिटी मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।